Alija. Oh. Alija, ye kya? Tum to abhi se hi thak gaye. Are mama, pichle aadhe ghante se tum hame tez tez bhagaye ja rahenge. Thakenge nahi to aur kya? Oho. Alija, subah subah tez bhagne ka bahut fayda hota hai. फायदा होता हैंगे? कैसा फायदा? अरे अब गुड्डू को ही देख लो हैं? कल उसके बाबूजी ने उसे कितना सूता भूल गए तुम? अरे मामा, गुड्डू की सुताई और तेज तेज भागने में क्या कनेक्शन हैंगे? क्या कनेक्शन हैंगे? अरे कनेक्शन हैंगे है? हमारा मतलब है कनेक्शन है। अब जरा सोचो, गुड्डू कल क्यों पिटा और किस लिए पिटा? अब क्योंकि गुड्डू अपनी जमीन गिरवी रखने जा रहा था। अरे नहीं अलीजा, कल गुड्डू अपने बाबूजी से इसलिए पिटा क्योंकि वो अपने बाबूजी से तेज नहीं भाग पाया है? अगर वो तेज भाग पाता तो नहीं पिटता। अच्छा हाँ, चलो ये तो थी गुड्डू की बात। हाँ। लेकिन मामा, तुम क्यों तेज तेज भाग रहे हैंगे, वो भी हमको साथ लेके? अरे वो इसलिए अलीजा कि आज नहीं तो कल हम तुम दोनों गुड्डू की तरह किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब जरा सोचो कि दीदी और मिर्चा भाग भी अगर कभी हमारी सुताई करने के लिए हमारे पीछे भागे तो भाई, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अभी से हमें तेज भागने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वैसे तेज भागने का एक और सबसे बड़ा फायदा है, वो तो हमने तुम्हें बताया ही नहीं। वो क्या मामा? अरे तेज भागने से वजन भी कम होता है। अच्छा, ये फायदा हैंगे? बिल्कुल। अरे मामा, अब और हमारा वजन 100 ग्राम भी कम हो गया ना, तो हम टेलीग्राम हो जाएंगे। टेलीग्राम मतलब गायब हो जाएंगे। गायब इसलिए हमने फैसला किया हैंगे कि अब हम तेज नहीं भागेंगे। ओहो अलीजा, अगर तुम तेज नहीं भाग सकते तो धीरे धीरे भागो। वैसे धीरे धीरे तो पिताजी भागते थे, वो भी तब जब उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते थे। हैं? चलो आओ अलीजा। कुत्ता। मामा, तुमने हमको गाली क्यों दिया? अरे हमने तुम्हें गाली नहीं दी, हमने तो कुत्ते को कुत्ता कहा है। वो देखो। अरे मामा, अलीजा रहेंगे। अलीजा, अलीजा, मामा कुत्ता भाग गया। आ जाओ। भाग गया कुत्ता कहीं का। अलीजा, देखा तेज भागने का एक और फायदा? हाँ मामा, समझ गए हैंगे। अब हम तुम्हें बताते हैं वर्जिश करने का फायदा, इसलिए अब तुम हमारे साथ वर्जिश करो। हाँ। एक, दो, अलीजा। अरे यार, लगता भाग गया। कोई बात नहीं, हम अकेले ही वर्जिश करेंगे। लापतागंज की इस खुली हवा में घूमने का मजा ही अलग है। भगवान करे कि हमारे लापतागंज को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। एक, दो, एक, दो, एक। वंडरफुल, वंडरफुल कुंदन। यही वो जमीन है भाई साहब, यही वो जमीन जिसे आज आप खरीदेंगे ना तो मट्टी का भाव मिलेगी, लेकिन कल यही जमीन सोने की खान हो जाएगी भाई साहब, सोने की खान। क्योंकि यहां से एक हाईवे निकलने वाला है। आए हाय हाय हाय। और जिस दिन ये हाईवे यहां से निकल गया ना भाई साहब, 50 गुना कीमत बढ़ जाएगी भाई साहब इस जमीन की। 50 गुना। वंडरफुल आइडिया। हम इस जमीन को खरीद कर इस पर एक रिसॉर्ट बनाएंगे, एक शानदार रिसॉर्ट। अरे भाई साहब, रिसॉर्ट? यस भाई साहब, शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर कौन इतनी दूर रिसॉर्ट में आएगा है? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल कुंदन।
शहर के रईस लोगों के पास सब कुछ होता है, बंगले, गाड़ियां, पैसे। अगर उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो है चैन, सुकून, शांति। और ऐसे ही लोगों को हम सुकून बेचेंगे। हमारे रिसॉर्ट का नाम होगा गोवर्धन हॉलिडे रिसॉर्ट। फिर तो एक ही दिक्कत है भाई साहब। दिक्कत कैसी है? लापतागंज। लापतागंज? सो व्हाट? एक छोटा सा गांव है। तो इसमें दिक्कत क्या है कुंदन? वंडरफुल कीमत फेंको और खरीद लो लापतागंज को। अरे भाई साहब इतना आसान नहीं है। अरे हमने कल्लू को भेजा था लापतागंज की सारी खबर लाने के लिए। धरती माँ समान होती है और माँ की इज्जत की जाती है, उसको पूजा जाता है, उसको बेचा नहीं जाता बेटा। लेकिन लापतागंज वाले उन लोगों में से नहीं जो अपनी जमीन को बेच दिया करते हैं। अरे वो अपनी जमीन को माँ समान समझते हैं भाई साहब, अपनी जमीन की पूजा करते हैं, पूजा। हमें नहीं लगता कि वो हमें अपनी जमीन बेचेंगे। पैसा, बहुत ताकत होती है पैसे में। यदि वंडरफुल पैसा मिले तो इंसान अपना जमीन भी बेचते हैं। ये तो सिर्फ जमीन है, इसलिए हम खुद लापतागंज जाएंगे, एक वंडरफुल कीमत देंगे और फिर देखना। ये लापतागंज हमारी मुट्ठी में होगा। मामा, हमें लगता है ये दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के किस्से कभी नहीं खत्म होंगे। भाई ये बात तो है सत्यलाल भाई, इसी बात पे तुम सबको चाय पिलाओ और हम तुम्हें पिताजी का एक किस्सा और सुनाते हैं। भाई हुआ यूं कि एक बार पिताजी ने कार खरीदी। जी मामा, कहीं तुम्हारे पिताजी तो नहीं आ गए होंगे? लापतागंज वालों, आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आप सबकी किस्मत बदलने स्वयं सेठ गोवर्धन पधारे हैं। वैसे प्यार से लोग इन्हें भाई साहब भी कहते हैं, भाई साहब। हाँ, फिर तो इनकी पत्नी को बहुत परेशानी होती होगी। हमारे भाई साहब का दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते। अरे जब बता ही नहीं सकते तो फिर बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चुप कराओ, हर वक्त बकलोली जरूरी है काका? लापतागंज वालों, जब से हमारे भाई साहब को पता चला है कि लापतागंज वालों को बिजली एवं पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं, तब से उनकी
उनकी आंखें बराई हैं। भाई साहब, अरे इसी रूमाल से इन्होंने अभी कुर्सी को साफ किया था। इसीलिए हमारे परम पूज्य भाई साहब ने यह फैसला किया है कि आपका लापतागंज यहां से हटा के कहीं और बसा दिया जाएगा। इस मेहरबानी की वजह? अरे चचा, जहां पर ये लापतागंज बसाया जाएगा ना, वहां 24 घंटा पानी और 24 घंटा बिजली भी होगी। अरे यार, 24 घंटा पानी और बिजली? वंडरफुल, एक मिनट, हम आपको समझाते हैं। जैसे ये अब जैसे वंडरफुल ये हलवाई की दुकान, कुंदन, इस हलवाई की दुकान की क्या कीमत होनी चाहिए? भाई साहब तकरीबन 40 तक तो। 40 नहीं, 50। 50,000 की है हमारी दुकान। क्यों लल्लन जी? अरे लल्लन जी, आप नहीं कुछ कहेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। लेकिन कल ही तो आप कह रहे थे। अब ठीक है, तुम कहते हो तो आज फिर से कह देते। देखो भाई, ऐसा है, सुत्ती लाल की जो दुकान है वो 45-50 का माल तो है। वंडरफुल, 50 सही, लेकिन इसी हलवाई की दुकान के यदि वंडरफुल हम आप लोगों को 1,25,000 दें तो? 1,25,000? बेच डालो बहनो जी, बेच डालो, मौका अच्छा है। भाई साहब, भाई साहब, इधर आइए, आइए। ये देखिए, ये हमारी दुकान हैंगी, इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? नॉट वंडरफुल, 30-35,000 होगी। हैं? लेकिन हम इसी दुकान की आपको वंडरफुल 1,00,000 देंगे। क्या बात है भैया? 1,00,000? अरे ये 1,00,000? एक लाख मामा, हमारी दुकान की 1,00,000 देंगे। 1,00,000? अरे इसका मतलब आप सबको उनकी जमीनों के दुगने दाम देंगे? अरे दुगने से भी ज्यादा। जी ओ जी, ये काले कोट वाले बंदर फुल बाबू से कहना कि हम में से कोई भी लापता गंज छोड़ के कहीं ना ही जा रहा है। क्यों मौसी? हाँ इंदु सही कह रही है। देखो का नाम है इनका, गोवर्धन सेठ उर्फ भाई साहब। जो भी है, देखो हम लापतागंज छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। हम काहे जाए अपना घर बार छोड़ कर, हमारे बजरंग बली को छोड़ के, बताओ। वंडरफुल मौसी, ये बंदर फूल किसको बोल रहा है? सुत्ती लाल को बंदर कह रहा है और आपको फूल, वो भी गेंदे का। आप में से कोई भी लापतागंज छोड़ कर नहीं जाएगा। हाँ। बल्कि आप अपने प्यारे वंडरफुल लापतागंज को अपने साथ लेके जा रहे हैं। साथ लेके जाएंगे? नहीं समझे? कुंदन, हम समझाते हैं आपको। आप लोग समझिए कि ये आपका लापतागंज है। इतना छोटा? मौसी, इसको हम बड़ा कर देंगे, वंडरफुल बड़ा। हटिए एक मिनट, ये इस लापतागंज को हमने यहाँ रख दिया। अब इस वंडरफुल लापतागंज को उठा के हमने अब यहाँ रख दिया। आप सभी का दुकान, मकान, गली, मोहल्ला, बजरंग बली जी, सब पहले जैसे ही रहेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? ना ना, छोड़ो। अरे दीदी, कहा? अरे हाँ बोल दो, लक्ष्मी खुद चलकर हमारे गांव आई है। चुप करो, चुप करो, हमें नहीं चाहिए ऐसी लक्ष्मी। हाँ चुप करो बाबूजी। इस हिसाब से अपनी 25,000 की जमीन के 75 तो मिल जाएंगे। 75,000? देखो बेटे, भाई साहब, भाई
साहब। हाँ हाँ, देखो भाई साहब, आपकी बातें हमारी समझ में कुछ कुछ आ तो रही है, पर लेकिन हमको पूरी तरह से समझ में आ रही है गोवर्धन सेठ। भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब होंगे तुम्हारे। देखिए गोवर्धन सेठ, हम आपकी तरह उद्योगपति तो नहीं है, लेकिन हम दुनियादारी को भी समझते हैं और दुनिया वालों को भी। आज के दौर में पैसे के लिए जब एक इंसान दूसरे इंसान का गला काटने के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में तुम हम लापतागंज वासियों की मदद करने आए हो? नहीं गोवर्धन सेठ, नहीं, ये बहुत बड़ा खेल है जो तुम खेलना चाहते हो हमारे लापतागंज के साथ, लेकिन हम तुम्हें ही खेल खेलने नहीं देंगे। कौन है ये? ये मुकुंदी बाबू हैं, डाकखाने में काम करते हैं। अरे लापतागंज हमरा और हम सबका परिवार है, और परिवार के टूटने से घर टूटता है, परिवार बिखरता है, लेकिन हम लापतागंज वासी अपने परिवार के टुकड़े होने से पहले अपने खुद के टुकड़े करना पसंद करेंगे। जे बात का बोले है। और तुम सब हमसे वादा करो कि आज के बाद अपनी जमीन बेचने का विचार तक अपने मन में नहीं लाओगे, समझे? मुकुंद भैया कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए देखिए, आप लोग हमारी बात एक बार। अरे यार पापा कसम, बहुत ही बदतमीज आदमी हो, डीपली घुस के आए। अबे इतनी इज्जत उतार रहे हैं, फिर भी यहाँ पे पैर पसाए खड़े हुए हो। अबे शर्म नहीं आती? लगता है इनको अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा। मिर्चा भाभी, पापा कसम आपकी अंग्रेजी बहुत सॉलिड है, जरा आइए। आ रहे, रुको। नहीं बीजी पांडे, नहीं मिर्चा भाभी, ये लापतागंज आए हैं, मतलब ये हमारे मेहमान हैं, और मेहमानों के साथ हाथापाई नहीं की जाती। सुतीलाल, इन दोनों को अपने हाथों की गरम गरम चाय पिलाओ और नमस्कार करके विदा करो। चलो भैया, चलो अपने अपने काम धंधे में लग जाओ। हाँ चला, हाँ चला। अरे दीदी, वहाँ कहाँ जा रही हो? हाँ चला, जमीन बेचनी है क्या? ना ना, चलाओ। हाँ चलो, अंदर चलो। अरे भाई साहब, चाय में अदरक डाले? इस लापतागंज के लाल मुकंदी लाल ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। छोड़ेंगे नहीं हम उसको। वंडरफुल, शांत शांत कुंदन, गुस्सा नहीं। कुंदन, जो नेता सबसे ज्यादा चीख चीख कर लोगों को भड़काता है, वंडरफुल, सबसे जल्दी वही बिकता है। आज शाम को चलते हैं। कहाँ भाई साहब? वंडरफुल डाक खाने, नेताजी को खरीदने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.